हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मंगलवार रात जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन के दौरान जनहित के लिए रात 12 बजे के बाद से 21 दिन तक यानी 14 अप्रैल तक देश को लॉकडाउन करने का ऐलान किया है, उसके बाद से ही यूपी के बुलंदशहर में किराना स्टोर, एटीएम और मेडिकल स्टोर समेत तमाम दुकानों के बाहर लोगों का जमघट लग गया है। लोग पीएम का ऐलान सुनते ही एकाएक बाजार की ओर कूच कर गए और जरूरी सामान की खरीदारी शुरू कर दी। चंद मिनट के भीतर आलम यह हो चला कि किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर और एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। इससे न सिर्फ पीएम मोदी की सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील को धाराशाही कर दिया, बल्कि कोरोना वायरस को लेकर बरती जा रही एहतियात पर भी पानी फेर दिया। यहां यह भी गौरतलब है कि कोरोना को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी की सख्ती के बाद बुलंदशहर जिला प्रशासन ने लोगों में सोशल डिस्टेंस बनाने में पूरी ताकत झोंक रखी है। हम इस समय रात में इस टाइम इसलिए आए हैं कि हमें रोजमर्रा की चीजों की जो जरूरत पड़ेगी, किस दिन का जो लॉकडाउन हुआ है, इस वजह से आए हुए हैं। हो सकता आने वाले टाइम में ये लोकबाग जैसे कि आप लॉकडाउन में बताया गया है कि रोजमर्रा की चीजें वो मिलती ही रहेंगी, आप लोगों को खाने पीने की जो चीजें होती हैं वो मिलती रहेंगी, जो मिलेंगी हो सके हमें मुश्किलों का सामना करना पड़े, इस वजह से हम पहले ही खरीदारी कर रहे हैं। हम मंडी में इसलिए आए हैं कि जो मोदी जी ने अभी जो नया ऑर्डर पास किया है कि कल से हमारा जो लॉकडाउन हो जाएगा, अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए आए हैं और घर पर ही अपना रहेंगे ताकि इस बीमारी से निजात मिल सके। और आपको ऐसी भी जानकारी है जैसे कि लॉकडाउन किया गया उसके बाद में बताया गया था कि रोजमर्रा की चीज़ें होती है, जो जरूरतमंद की चीज़ें होती है खाने पीने की, सभी मिलेंगी। जी, ये बताया गया है, लेकिन हम अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं हम घर से बाहर ना निकले, एक ही बार में सारा सामान लेकर बैठ जाएँ। भाई इन्होंने 21 दिन के लिए बोला, कोशिश ये करेंगे हम घर से बाहर ना निकले। प्रधानमंत्री मोदी जी की आज्ञा के अनुसार रात को 12 बजे लॉकडाउन होगा, इसके लिए हम अपनी जरूरतों का सामान लेने के लिए निकले हैं। कुछ दवाइयाँ हैं, दूध के डिब्बे हैं जो कल हमें नहीं मिल पाएंगे। नहीं, जैसे कि लॉकडाउन के बावजूद भी सारी सामान जो रोजमर्रा की जरूरत की चीज़ें वो मिलती रहेंगी, उसके बावजूद भी आप इतनी रात में लगे हुए हैं। ऐसा होता है कि बहुत भीड़ रहेगी, एक घंटे खुला, आधे घंटे खुला, हमें सामान मिल पाया, नहीं मिल पाया, जो हमारी जरूरत आए पहले लेके रख लेते हैं, कल को दिक्कत होती है, कुछ होती है, परेशानियाँ होती है। सामान लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने देश को बचाने के लिए 21 दिन का ऐलान किया है बंद का, इसलिए हम जो सामान खरीदने के लिए आए हैं घरों का सामान खरीदने के लिए अपने जरूरतमंद आवश्यक चीज़ों के लिए। हाँ, लॉकडाउन के बावजूद ये सामान मिलता रहेगा, जो रोजमर्रा की चीज़ें होती है। अच्छा, हाँ हाँ, सामान मिलता रहेगा उसके बावजूद भी आप इसमें लगेंगे। हाँ हाँ, फिर भी जो है जो भी चीज़ है कभी लेनी तो पड़ेगी, जो मिलता रहेगा वो ठीक है, जो चीज़ अब जरूरत है वो ले ली, फिर बाकी और ले लेंगे बाद में। मगर कुछ लोग कोरोना की गंभीरता को समझने में नासमझी कर रहे हैं। बता दें कि देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने आज रात 12 बजे से 21 दिन यानी 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।